वेलकम बैक टू माई चैनल एंड यू कैन सी हु इज हियर टूडे. एंड नहीं, मैं यहाँ पे आई हूँ राजूदा के घर पे. यू गाइज नो हाउ मच आई लव हिज ट्यूटोरियल. ही इज जस्ट लाइक फ्लॉलेस. हर एक मेकअप मुझे इतना ज्यादा पसंद है. मुझे भी शोरमिले का मेकअप लाइक बहुत ही ज्यादा पसंद है. वो एज ए इन्फ्लुएंसर काम करती है. मैंने भी बहुत लाइक टाइम से उसको फॉलो किया है. तो दोनों का ही बहुत मन था कि हम एक कोलैब करें. सो दैट्स व्हाई शी इज हियर. आई एम आल्सो लकी टू हैव हर. यस, मैंने शी इज वेरी ब्यूटीफुल एंड लव हर फीचर्स. नाम मैंने बोला कि यार थोड़ा नाक का प्रॉब्लम है, थोड़ा ठीक कर. नहीं यार, जादू है तो कुछ ना कुछ कर ही दोगे आप, राइट? So yeah, I'm handing over a blank canvas and let's see क्या होता है. Stay tuned. सबसे पहले स्प्रे किया है स्मैशबॉक्स का प्राइमर, कम फिक्सर स्प्रे. उसके बाद हुडा का जेली प्राइमर यहाँ पे यूज़ किया है पूरी फेस पे. एंड उसको ड्राई होने के बाद मुझे कलर करेक्टर करने की ज़रूरत थोड़ा सा पड़ गया, तो वो कलर करेक्टर कर रहे थे. एंड अच्छी तरह से एक मेरे स्किन टोन का ही कंसीलर लेके उसको ब्लेंड कर रहे थे. यू नो आई आस्क्ड फॉर अ वेरी नेचुरल लुकिंग ड्यूई बेस. यू गाइस नो हाउ मच आई लव ड्यूई बेस. सो एग्जैक्ट स्किन टोन का चाहिए था मुझे. मैंने बोल दिया था कि मैंने मेरी स्किन टोन से बिल्कुल भी लाइट शेड मत यूज़ करना. सो एग्जैक्टली उन्होंने वही किया. लाइक जो मेरी स्किन टोन है उसी से मैच करता हुआ मिक्स एंड मैच करके ही यूज अ फाउंडेशन. आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दिस फाउंडेशन. लाइक मुझे ध्यान नहीं था कि कौन सा फाउंडेशन उन्होंने यूज़ किया है, बट फ्लॉलेस कवरेज था. देन यहाँ पे शायद हुडा ब्यूटी का न्यू कंसीलर जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं. यहाँ पे बहुत ही अच्छा कवरेज है, बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो गया. ये थोड़ा सा लाइट है, आप देख सकते हो मेरे स्किन टोन से, तो ये ना थोड़ा हाईलाइटिंग इफेक्ट का भी काम करेगा आई गेस. येस, जैसा जितना मुझे पता है. एंड उसके लिए यू नो ही यूज आई थिंक और एक शेड भी लाइटर उन्होंने यूज़ किया है इसके बाद. येस, यहाँ पे टार्ट का वन शेड लाइटर, आई मीन टू शेड्स लाइटर देन माई स्किन टोन. थोड़ा सा हाईलाइटिंग इफेक्ट के लिए यहाँ पे फिर से यूज़ कर रहे हैं. एंड एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड भी करते रहे. माई बेस वॉज लुकिंग फ्लॉलेस बिकॉज ही टूक अ लॉट ऑफ टाइम टू ब्लेंड बिकॉज दैट्स लाइक यू गाइज नो दैट. यहाँ पे एक क्रीम ब्लश यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. उसके बाद O2O का ब्लश भी उन्होंने अप्लाई किया था उसके ऊपर ही, उसको थोड़ा सा और पॉपअप लुक देने के लिए. एंड देन ही इज़ यूजिंग अ ब्यूटी ब्लेंडर अगैन टू ब्लेंड माई ब्लश. एंड यू कैन सी माई चिक्स आर लुकिंग सुपर ड्यूवी एंड येट द कवरेज इज फुल कवरेज. यू गाइज लाइक आई वॉज नॉट फीलिंग हैवी एट ऑल. यहाँ पे शार्लेट टिलबेरी का कॉन्टोर प्रोडक्ट, लिक्विड कॉन्टोर जो है वो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. एंड इसे अच्छी तरह से ले गया बिकॉज आई आस्क्ड हिम कि मेरा नोज़ थोड़ा सा स्मॉल कर दो, थोड़ा सा शार्प लगे. यार सच बताओ, वी हैड अ लॉट ऑफ फन दैट डे. बाय द वे, मैंने पूरा दिन का व्लॉग भी किया हुआ है जो मेरे बंगाली चैनल नॉट सो शाई शर्मिली पे आने वाला है बहुत जल्दी. फॉर माई ब्राउज ही वॉज यूजिंग अनस्ताशिया का पोमेट, एक डार्क ब्राउन शेड का पोमेट था. एंड मैंने बोला कि मैं एग्जाम मेरे आई ब्रो को मैच करते हुए, लाइक शेप को मेंटेन करते हुए आईब्रो को फिल करना, एंड ताकि ना बिल्कुल भी अननेचुरल ना लगे, वैसा ही मुझे मिला. यहाँ पे हुडा ब्यूटी का कंसीलर, लिक्विड कंसीलर जो नया कंसीलर है वो यूज़ कर रहे हैं. इसका बेस जो है ना, आई मीन इसका कवरेज जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल है. एंड ऑल्सो इट डजेंट फील केकी एट ऑल. एंड मैंने बोल दिया था कि मुझे ना पीची स्टोन न्यूरी स्टोन लुक चाहिए ऑल ओवर. सो यहाँ पे एक न्यूट्रल वार्म टोन जो है मेरी लेके मेरे आईज के पूरे आईज पे स्पेशली क्रीज पे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं. एंड थोड़ा सा उसको इंटेंसिफाई करने के लिए यहाँ पे एक ब्राउनिश न्यूरिश शेड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अगेन एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से. मेरे आउटर कॉर्नर पे फोकस कर रहे हैं एंड धीरे धीरे उसको ब्लेंड करें मेरे इनर कॉर्नर की तरफ.
यही चीज़ को ही वॉज फॉलोइंग द सेम थिंग सेम स्टेप्स अगेन एंड अगेन ताकि यू नो और भी ज़्यादा ब्लेंडेड दिखे एंड थोड़ा सा और इंटेंसीफाई हो मेरा आउटर कॉर्नर एंड ही वॉज आस्किंग मी कि मुझे कट क्रीज चाहिए कि नहीं बट आई टोल्ड हिम एकदम नहीं आप एकदम सटल मेरा शिमरी आईज कर दो मेरे एकदम सटल शिमरी आईज सो एग्जैक्टली उन्होंने वैसे का वैसा ही क्या ऐसे मुझे चाहिए था एंड बहुत आपको तो आप देख के बताना यार लुक कितना अच्छा टर्न आउट हुआ है ना मुझे तो बहुत प्यारा गया इस लुक से ऑल ओवर लुक से आउटफिट से लेके हेयर से लेके लाइक हेयर भी बहुत टाइम लेके क्या था एंड माय हेयर वाज लुकिंग एक्चुअली रियली लाइक वॉल्यूमिनस जो मेरा हेयर है नहीं एक्चुअली आपको पता होगा यहाँ पे एक ब्लैक शेडो लेके मेरे लाइनर के पास एकदम ना स्मोकी सा एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आई मीन स्मोक आउट कर रहे हैं लाइन को उसके बाद लाइनर लगा लिया यहाँ पे मेबलिन का एंड यू कैन सी दैट स्मोक आउट वाला लाइनर यहाँ पे क्रिएट हुआ जो कि बहुत ही फेवरेट है मेरा एंड आई लव इट वाटर लाइन पे एक हाईलाइटिंग शेड यहाँ पे न्यूड शेड अप्लाई किया है एंड देन थोड़ा सा डार्क शेड को लेके मेरे अंडर आई पे थोड़ा सा अप्लाई किया है उसके बाद अगेन ब्रॉन्जर की बारी आती है यहाँ पे पाउडर ब्रॉन्जर यूज़ कर रहे हैं आई थिंक हूला का यूज़ किया है इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड येस हुला का अभी कुछ दिखा सो हुला का अच्छी तरह से मेरे फेस को यहाँ पे कॉन्टोर किया जा रहा है ब्रॉन्जिंग नहीं बिकॉज ये थोड़ा सा कूल टोन वाला शेड है एंड यहाँ पे फिर से अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ब्लश ये आई थिंक आई मैजिक का पैलेट था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट हाँ उसके बाद फिर से कॉम्पैक्ट हेल्प से अच्छी तरह से उसको ब्लेंड कर रहे ब्रश को ताकि ब्लश को ताकि कोई भी ना हार्श लाइन्स ना रहे शुगर का लिप लाइनर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एक पीचिश बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड था ब्राउनिश मॉविश टोन सब है इसमें एक्चुअली हर एक शेड इसमें मिक्स किया हुआ था तो आप इसके ऊपर कोई भी लिप शेड पहनोगे ना बहुत सुंदर लगेगा तो मैंने बोला था कि एक पीच लिप शेड पहना दो तो यहाँ पे शार्लेट टिलबरी का पिलो टॉप लिपस्टिक अभी अप्लाई कर रहे हैं वो दो शेड को एक्चुअली मिक्स किया था एंड एक शेड को बीच में भी सेंटर पे भी अप्लाई किया था रेड शेड को थोड़ा सा ओम्ब्रे लुक देने के लिए एंड आईलैश लगाया देन उसके बाद हाईलाइटर टू फेस्ड का हाईलाइटर था एंड आई वॉज यूजिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एज वेल लाइक मेरे ऊपर ये पहली बार यूज़ हो रहा था ये हाईलाइटर बहुत ही बॉम्ब वाला हाईलाइटर यू गाइस यू कैन सी उसके ऊपर से थोड़ा सा पैक का हाईलाइटर भी उन्होंने यूज़ किया है जो कि अगेन बहुत ही सुंदर है तो ऑल ओवर लुक जो था ना यू कैन सी बहुत ही ज़्यादा लाइक जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा निकल के आया है एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक आई नो आप बहुत जन पूछोगे कि वाई ब्लैक साड़ी शादी में नहीं पहनना चाहिए ब्ला 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 बट मुझे ब्लैक एज अ कलर बहुत ही पसंद है एंड मुझे ना ब्लैक को लेकर उतना कुछ है नहीं मतलब ब्लैक पहनना नहीं है ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग डिफरेंट सो दिस वॉज माई समथिंग डिफरेंट लुक एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आपको ये लुक कैसा लगा एंड लुक एट द ज्वेलरीज बहुत ही सुंदर ज्वेलरी जो है प्रोवाइड किया गया है बाय द वे अगर आपको लिंक चाहिए ज्वेलरी एंड ये आउटफिट का मैंने कहाँ से लिया है आई मीन भैया ने कहाँ से लिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पूरा डिटेल्स है ना वो मिल जाएगा एंड ओ माई गॉड आई लव माई हेयर लुक एट माई हेयर इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी एंड ऑल्सो द कॉलका ऑन माई फोरहेड बहुत ही सुंदर लगा सो दिस इज द फाइनल लुक गाइस कैसा लगा मेकअप कमेंट करके बताना आई फ्रिकिंग लव इट लाइक थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा कैनवस मिला है तो मैंने बहुत लाइक बहुत टाइम लेके राजू ने मेकअप किया है मेकअप हेयर एंड एवरीथिंग आई लव इट वेरी वेरी मच आपको इस लगा मुझे जाके ही बताइए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन इट्स फॉर एक्सेप्टिंग मी कि हां आप आओ मेरे घर पे बता लो उसके वजह से आई लव यू थोड़ा जल्दी था बट सब कुछ बहुत अच्छे से टर्न आउट हुआ है आई लव लाइक मुझे तो जैसे बोला था ना मैंने एकदम ड्यूई बेस चाहिए एकदम वैसा ही मुझे दिया है विद फुल कवरेज Yes, full coverage के साथ एकदम जो भी मैंने ब्लैक साड़ी में ब्राइड देख लो बंगाली साड़ी एकदम ब्लैक साड़ी में ब्राइड है बहुत ब्यूटीफुल लग रही है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड राजीव दा का अगर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ऑल्सो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा एंड आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन चेक कर लेना दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम बाय